हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ये डिलीशियस सा फिश कालिया। फिश कालिया एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये जितना बनाने में आसान है, खाने में उतना ही डिलीशियस है। तो आइए फिश कालिया बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फिश ले लिया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बोराली फिश, यानी बिग साइज कैट फिश। जो फ्रेश वाटर कैट फिश होता है वो हम लोग के मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैंने हल्दी और नमक से मैरिनेट कर लिया है और फिर हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। फिश हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही पकाना चाहिए, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग फिश को फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा फिश फ्राई हो रहा है, आइए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले में यहाँ पे मैंने लिया है प्याज और 6-7 कली लहसुन के और कुछ हरी मिर्ची। इसका हम लोग अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। वो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है थोड़ा, एक मुट्ठी भर काजू, और यहाँ पे 3-4 चम्मच हम लोग खट्टी दही यूज़ करेंगे और उसका भी हम लोग अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमारी फिश भी अच्छे से फ्राई हो रही है। इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। देखिए कितना सुंदर से ये फ्राई हो रहा है। ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो ही चुका है, तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। आइए अभी उसी बचे हुए तेल में मैं डालूंगी आधी चम्मच चीनी। चीनी को हमें अच्छे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा थोड़ा इसे जला लेना है। एक तेज पत्ता डाल रही हूँ और 3 छोटी इलायची। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अभी देखिए हमारा चीनी अच्छे से थोड़ा थोड़ा जल रहा है, तो इसमें मैं लहसुन प्याज और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। और फिर इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार और हल्दी 1/2 टेबल स्पून। इसे फिर हमें थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम में इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। फिर से इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है और फिर ऐड कर देंगे हमारी दही और काजू की जो पेस्ट बनाई थी वो। इस स्टेज में भी हमारा गैस एकदम मीडियम टू लो में होना चाहिए, नहीं तो हमारा सारा मसाला जल जाएगा। देखिए इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, ये तेल भी छोड़ रहा है, तो इसमें मैंने 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है और जो मिक्सी का जो बर्तन था उसे धो के मैंने पानी ऐड कर दिया है। और फिर चला जाएगा हमारा फिश। इस स्टेज में अभी आप लोग गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए कि फिश को हमें अच्छे से पका लेना है, उबाल लेना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसे हम लोग ऐसे पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से मसाले सारे फिश के अंदर घुस जाए। और बस ये बिल्कुल रेडी है। खूब सारी धनिया पत्ती मैंने ऐड कर दिया है और बस ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। देखिए कितनी सुंदर और डिलीशियस बनी है। इसका स्मेल जो आ रहा है वो बस अभी हम लोग खा ले ऐसा मन कर रहा है मुझे। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसे आप लोग चावल के साथ, जो प्लेन चावल है उसके साथ, या फिर पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो मैंने इसे फिर से धनिया पत्ती से थोड़ा गार्निश कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग को पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।